कला की तरह क्या मैं चढ़ से फूकू या व्यूज अमीबे को डिस करके लूटू या तो कैसे हो बनता है की पब्लिक। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी डिस का माहौल चल रहा है और एमवे बंटाई और किंग के बीच में अभी मामला काफी ज्यादा गर्म है और एमवे बंटाई को डिस अनाउंस करे हुए आज पूरे 3 दिन भी हो चुके हैं और इस सैटरडे या संडे को एमवे बंटाई का डिस किंग पर 100% आने वाला है, जिसको लेकर अभी अभी एमवे बंटाई की तरफ से एक और पोस्ट देखने को मिला है जिसमें उनके इस पिक्चर पर स्पीक ईपी का एविल सॉन्ग बज रहा होता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो सीन होने वाला है, बस जल्दी से एमवे बंटाई अपने इस डिस्ट्रैक्ट को ड्रॉप कर दे। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में जो कि कुछ ऐसी है। चैनके का एक डिस्ट्रैक्ट आया है जिसमें उन्होंने काफी सारे रैपर्स को डिस करा है। ओ, तभी रैपर से सर झुका रहे क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने ब्रो। और उनको भी डिस करा है जो एमवे बंटाई को डिस करते हैं, जैसे अभी किंग और जादू और पिंकी और रफू का तो आप सबको पता ही है। सो इनके इस डिस्ट्रैक्ट का नाम है असली हिप हॉप 2.0 और इसका फर्स्ट वर्जन 5 साल पहले ही आ चुका है। सो अब मैं आप सबको बता दूं कि उन्होंने उन रैपर्स को क्या रिप्लाई दिया है जो एमवे बंटाई को डिस करते हैं। पहले तो आप लोग इस लाइन को सुन लो। कला की तरह क्या मैं चढ़ से फूकू या व्यूज अमीबे को डिस करके लूटू या नो। तो जैसा कि आपने सुना वो बोलते हैं कि थाला जो रैपर है वो चरस फूकता है और एमवे बंटाई को डिस करके आजकल के रैपर अपने सॉन्ग पर व्यूज लेते हैं, जैसे अभी किंग और जादू व्यूज ले रहे हैं। और आप सबको पिंकी और रफू का तो पता ही है उन्होंने एमवे बंटाई के नेम से कितने सारे व्यूज लिए हैं। कला की तरह क्या मैं चढ़ से फूकू या व्यूज अमीबे को डिस करके लूटू या नो। इसके अलावा चैन के भाई ने जियान भाई को भी अपने इस सॉन्ग के अंदर डिस करा है। बोलूं तो हेटर्स की हट्टी है क्या बादशाह टट्टी नहीं है। मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हट्टी है क्या बादशाह टट्टी नहीं है। सो जियान भाई के ऊपर इस वाले लाइन को सुनकर मुझको भाई काफी ज्यादा हंसी आई है। बाकी आप सबको चैनके का डिस्ट्रैक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।